وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى فما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدين آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم منزه عن شريك في محاسنه فجوهر الحسن فيه غير منقسم يا أكرم الخلق ما لي من علوز به سواك عند حلول الحادث العمم فإن من جودك الدنيا وضرتها ومن علومك علم اللوح والقلم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم سامعین ذی‌وقار استاد صاحب کے دروس چل رہے تھے استاد صاحب کے والدین کافی علیل ہیں وہ ابھی لاہور ہاسپٹل میں داخل ہیں آپ سب حضرات نے ان کے لیے دعا بھی کرنی ہے اللہ رب العزت ان کو صحت عطا فرمائے پچھلے درسوں کے اندر سورہ بقرہ کے دوسرے رکوع کی آیات کا درس آپ لوگوں نے سماعت کیا ان آیات بینات کے اندر اللہ رب العزت نے منافقین کی نشانیوں کو بیان فرمایا ابھی مزید ان منافقین کے بارے میں تذکرہ اگلی آیتوں کے اندر موجود ہے قرآن مجید فرقان حمید کے اندر ایمان اور کفر کے درمیان ایک عقیدہ جو لوگوں نے اپنایا اس کو قرآن نے آشکار فرمایا منافقین کے دو گروہ ہیں قرآن نے ان کو بھی منافق کہا جنہوں نے سرے سے کلمہ پڑھا ہی نہیں اور دوسرا گروہ ان کو کہ جنہوں نے کلمہ پڑھا
लेकिन कलमा पढ़ने के बाद उन लोगों ने उस कलमे को के फैज को हासिल नहीं किया और गुमराह हो गए, ईमान से फिर गए। तो दोनों के मुतालिक कुरान मजीद के अंदर मिसालें देकर वजह की गई। अब इन मुनाफिकों का तज़किरा जब इन आयात के अंदर मौजूद है तो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इरशाद फरमाया, उलाइकल लजी नश्तरहु दलालता बिल हुदा, कि ये वो लोग हैं यानी जिनका तज़किरा पीछे मौजूद है मुनाफिकीन का, जिन्होंने गुमराही को खरीदा हदायत के बदले में, यानी हदायत के बदले में गुमराही को खरीदा। हदायत ये ईमान है, गुमराही ये कुफ्र है, यानी ईमान के बदले में कुफर खरीदा। अब जिस तरीके से लोग आपस में खरीदो फरोख्त करते हैं तो ये मिसाल देकर अल्लाह रब्बुल इज्जत समझा रहे हैं कि हदायत अगर पहले मौजूद है वो देकर कुफर को खरीदना, या सिरे से उनके पास हदायत नहीं थी, क्योंकि हदीस के अंदर आता है कि नबी पाक अली सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, कुल्लु मौलूदिन यूलदो अलल फितरा, कि जो भी बच्चा पैदा होता है वो फितरत पर पैदा होता है, दीन पर पैदा होता है। आगे जब वो सोबत को इख्तियार करता है तो जैसी सोबत होती है ऐसे ही उसका दीन बन जाता है। तो हुजूर ने फरमाया, फाबवाहु युवदानिही वयुनस्सिरानिही वयुमज्जिसानिही, अब उसके वालिदैन उसको या यहूदी बनाते हैं या नसरानी बनाते हैं या मजूसी बनाते हैं। तो अब जब पैदाइश होती है तो उस वक्त हदायत मौजूद होती है। अगर वही बच्चा जो कुफर पर जो है अपने जिंदगी गुजार रहा है, अगर वो मुसलमानों के घरों में होता तो उसकी जबान पर जो है वो कलमा तैयबा जारी होता। तो ये वो वालिदैन की सोबत का जो है वो असर होता है, वरना हर फितरत के अंदर जो है वो दीन है, और बाकी जब फितरत तब्दील होती है तो फिर दूसरे जो है वो अध्ययन अंदर जो है वो दाखिल हो जाते हैं। तो कुरान मजीद के अंदर ये बयान किया गया कि इन लोगों ने हदायत के बदले में गुमराही को खरीदा है। तो यहाँ पर मुनाफिकीन की जो निशानियाँ बयान की गई, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने फरामीन के अंदर भी इस चीज की मजीद वजाहत फरमाई और मुनाफिकीन की निशानियों को बयान किया गया। अहदीस में आता है कि नबी पाक अली सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि जो मुनाफिक होता है उसके अंदर ये निशानी मौजूद होती है कि जब वो बात करता है झूठ बोलता है। यानी पहली मुनाफिक की निशानी ये है कि वो हमेशा झूठा होता है। अब कुरान मजीद के अंदर दूसरी जगह पर इस मफहूम को बिल्कुल वाज़ह किया गया कि जाजाकल मुनाफिकून कालू नशहदु इन्नका लरसूलुल्लाह, कि जब मुनाफिक आपके पास आते हैं तो वो ये कहते हैं कि हम ये गवाही देते हैं कि आप अल्लाह के रसूल हैं, लेकिन वो अपनी इस गवाही के अंदर झूठे हैं। यानी जबान पर है कि तुम अल्लाह के रसूल हो, लेकिन ये झूठ है क्योंकि दिल उनका इस बात की तस्दीक करने वाला नहीं। तो हुजूर ने फरमाया कि जब वो बात करता है तो झूठ बोलता है, जब वादा करता है तो बेवफाई करता है, जब उसके पास इमानत रखी जाए तो उस इमानत के अंदर वो खयानत करता है। अब नबी पाक अली सलातु वस्सलाम ने जब इन मफहूम को वाज़ह फरमाया और फिर जब
लोगों को इस्लाम का पैगाम दिया नबी पाक अलैहिस्सलाम। बसाओकात मुस्तकबिल की जो है वो खबरें दिया करते थे, मुख्तलिफ हालात जो आइंदा आने वाले होते जब उनकी खबरें देते, तो जब ये मुनाफिक वहाँ पर मौजूद होते, इन बातों को सुनते, तो वो आपस में एक दूसरे को आंखों के जरिए से इशारा करते थे कि देखो ये अल्लाह का नबी, इनके दरमियान हम मौजूद हैं, हमारे दिलों के अंदर कुफर है, हम जबान से कलमा पढ़ते हैं लेकिन हमारे दिलों के मुतल्लिक तो उन्हें मालूम नहीं है और खबरें आसमानों की देते हैं। तो नबी पाक अलैहिस्सलाम ने एक दफा खुतबा इरशाद फरमाया, तो नबी पाक अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया फमा बाद वक्वामी के उन कौमों का क्या हाल होगा, तानू फी इल्मी कि जो मेरे इल्म में तान करते हैं, यानी इन लोगों का क्या हाल होगा जो मेरे इल्म के ऊपर इतराज करते हैं, अल्लाह ने जो मुझे अता किया है इसे वो मानते नहीं है, इसको तस्लीम नहीं करते। और मजीद कहते हुए नबी पाक अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि ये लोग मेरे इल्म के ऊपर जो है वो इतराज करते हैं, मैं यहाँ पर जो है जो कुछ आप मुझसे पूछना चाहते हैं मैं अभी यहीं पर जो है वो क्यामत तक की जो है वो खबर देने के लिए आपको तैयार हूँ। बुखारी शरीफ के अंदर जो है इस मफहूम को बिल्कुल वाजा किया गया है। नबी पाक अलैहिस्सलाम ने एक दफा सहाबा इकराम रिज़वानुल्लाह ताला अलैहिम मजमईन को जब जमात कराई तो नबी पाक अलैहिस्सलाम जब नमाज से फारिग होते हैं तो नबी पाक अलैहिस्सलाम ने सहाबा इकराम को इरशाद फरमाया कह मेरे सहाबा, जब तुम नमाज के अंदर हो तो नमाज को खुशू और खुजू के साथ अदा किया करो, नमाज के अंदर तुम्हारी कामिल तवज्जो जो है वो रब की जात की तरफ होनी चाहिए, क्योंकि जब नमाज के अंदर तुम तवज्जो को कहीं मबजूल करते हो तो अल्लाह रब्बुल इज्जत मुझे इसकी खबर अता कर देता है। तो नबी पाक अलैहिस्सलाम ने जो अल्फाज बयान किए, नबी पाक अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि फवल्लाहि मा यफ़ा अलैया खुशूअकुम वला रुकूअकुम इन्नी ला अराकुम मिन वराए ज़हरी। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे तहकीक, नारे हैदरी, हर सहाबी ए नबी जन्नती जन्नती। कह मेरे साहबा, मैं खुदा की कसम कह के तुम्हें ये कह रहा हूँ कि तुम्हारे रुकू और खुशू ये मुझसे मख्फी नहीं है, अल्लाह रब्बुल इज्जत मुझे इसका इल्म अता करता है। अब जब हम नमाज पढ़ते हैं, नमाज के अंदर रुकू करते हैं, तो हमारा ये रुकू ये हमारी जिस्म की जाहिरी हरकत है, इसको साथ वाला आदमी भी जो है वो महसूस कर सकता है, लेकिन खुशू किसको कहते हैं, ये एक दिल की कैफियत होती है कि किस नीयत के साथ कितनी आजी के साथ इंसान रब की बारगाह में झुक रहा है। और कई मरतबा ऐसा होता है कि हम ये कहते हैं कि हमने नमाज को अदा कर लिया है, लेकिन बसाओ का हमारी नीयत के अंदर जो है वो दुरुस्त भी नहीं होती, रियाकारी आ जाती है, जब ये रिया आ जाता है फिर वो खुशू और खुजू जो है वो खत्म हो जाता है। हुजूर ने फरमाया कि मुझे पता है कि तुम जब रुकू कर रहे हो तो किस हालत में रुकू कर रहे हो और उस वक्त तुम्हारी खुशू की कैफियत क्या हो, यानी दिल के इरादे को नबी पाक अलैहिस्सलाम जो है वो जानते हैं। और सिर्फ दिल के इरादे को जानना नहीं बल्कि आगे फरमाया
इन्नी लाराकुम मिन वराए ज़हरी। ऐ लोगो, जिस तरीके से मैं आगे की तरफ देखता हूँ, इसी तरीके से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अपनी पीठ के पीछे का इलम भी मुझे अता कर देता है। सुभान अल्लाह। आगे हालांकि जो आंख का आगे मतमई नजर होता है, वो जो जो सामने चीजें हमारे हल्के के सामने मौजूद होती हैं वो नजर आती हैं, जो इस हल्के के साइड पर होती हैं वो हमें नजर नहीं आती। लेकिन हुजूर ने फरमाया इन्नी लाराकुम मिन वराए ज़हरी, मैं तुम्हारे पीछे जो है अपनी पुश्त के पीछे तुमको जो है वो देख रहा होता हूँ। तो ये नबी पाक अलैहिस्सलाम का फरमान है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इस तरीके से जो है मुझे मुतले का देता है। तो मुनाफिकों की निशानी के अंदर जो है नबी पाक अलैहिस्सलाम ने ये इरशाद फरमाया कि जब ये बात करते हैं तो झूठ बोलते हैं, तो नबी पाक अलैहिस्सलाम उनको ये बताना चाहते हैं कि जब तुम मेरे इलम पर एतराज करते हो तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने तो मुझे इतना इलम जो है वो अता कर दिया है। हदीस में आता है कि ज़ुल-हुवैसरा तमीमी ये एक दफा हुजूर की बारगाह में था और गनीमत का माल आया। नबी पाक अलैहिस्सलाम ने वो माल जो है वो तकसीम फरमाया, तो इसने ये आगे से कहा इहदिल या मुहम्मद, क्या मोहम्मद अलग थी। और इसके कहने की वजह क्या थी कि बजाय ये समझ रहा था कि हुजूर जो है सही तरीके से लोगों के अंदर जो है वो तकसीम नहीं कर रहे। तो नबी पाक अलैहिस्सलाम गुस्से हो जाते हैं और फरमाते हैं कि मेरे बाद जो है वो कौन अदल करेगा, अगर मैं जो है अल्लाह का जो आखिरी नबी हूँ जिसने जो है इस्लाम को दुनिया में फैलाना है, अगर मैं अदल नहीं करूँगा तो फिर और कौन अदल करेगा। और उसकी निशानियों के अंदर फिर जो है आगे नबी पाक अलैहिस्सलाम ने ये इरशाद फरमाया कि इसकी नस्ल से ऐसे लोग आएंगे जो बड़ी नमाजें पढ़ेंगे, कुरान मजीद पढ़ेंगे, लेकिन ये उनके हलक से नीचे जो है वो असर नहीं करेगा। और मिसाल देकर हुजूर ने इरशाद फरमाया कि जिस तरीके से जो है तीर जो है वो शिकार से निकल जाता है और आगे वो तीर निकला हुआ जो है उसके ऊपर कोई गोबर कोई खून वगैरह मौजूद नहीं होता, ये तीर से निकल कर जो है वो इस तरीके से जो है वो दीन से निकल जाएंगे। तो नबी पाक अलैहिस्सलाम ने इनकी निशानियों को ये बयान किया कि ये क्यामत तक जो है वो गिरोह होगा। और दूसरी हदीस के खुलासे के अंदर जब देखते हैं उसमें ये चीज मौजूद है, नबी पाक अलैहिस्सलाम ने यहाँ तक इरशाद फरमाया कि इन्हीं लोगों का आखिरी गिरोह कल क्यामत वाले दिन दज्जाल के साथ जो है वो खड़ा होगा। तो नबी पाक अलैहिस्सलाम ने इस तरीके से सहाबा इकराम के सामने अपने इलम को जो है वो बयान किया कि तुम ये कहते हो कि क्यामत का इलम नहीं है, कल का इलम नहीं है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने ये सारे उलूम जो है वो मुझे अता किए हैं। तो नबी पाक अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया सलूनी मा शेतो, कि जो मुझसे पूछना चाहते हो पूछ लो। अब लफ्ज़े मा ये अरबी का लफ्ज़ है और लुगत के एतबार से इसके मानी के अंदर उमूम पाया जाता है, यानी सलूनी मा शेतो, जो तुम चाहते हो पूछ लो। अब कुछ लोगों ने इस मफहूम को मुकय्यद करने की कोशिश की है और उन्होंने कहा कि जो हुजूर ने ये इरशाद फरमाया ना कि सलूनी मा शेतो, कि जो तुम पूछना चाहो पूछ सकते हो, तो इससे मुराद जो है हुजूर की ये थी कि दीन के जितने मसाइल पूछना चाहते हो वो पूछ लो, इसके अलावा खबर जो है वो हुजूर नहीं देना चाहते। लेकिन आगे इसी हदीस के अंदर जो है वो मफहूम क्या है कि लोगों ने जो सवाल किए वो सिर्फ दीन के मुतालिक सवाल नहीं किए। हजरत अब्दुल्ला इब्ने अबी कहाफा ये साबिये रसूल हैं और इनकी शक्ल जो है अपने वालिद से नहीं मिलती, तो कुछ लोगों के गुमान के अंदर ये आया कि शायद ये अपने उस वालिद कहाफा के बेटे ना हो किसी और के बेटे हों, तो इस तरीके से लोग इनको ताना दिया करते थे। तो ये खड़े हो जाते हैं जब हुजूर ने फरमाया ना सलूनी मा शेतो, कि जो कुछ मुझसे पूछना चाहते हो तुम पूछ लो, तो ये खड़े हो जाते हैं अर्ज करते हैं कि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरा बाप कौन है। तो अब मुहद्दिसीन जहाँ पर बस करते हैं कि जब मर्द और औरत की शादी होती है आगे औलाद होती है तो बच्चे पैदा होते हैं, तो वो बच्चा यकीनी तौर पर ये नहीं कह सकता कि मैं अपने बाप का हूँ, क्योंकि शादी के बाद भी बुराइयाँ जो है वो पाई जाती हैं,
तो नबी पाक अलैहि सलातो व सलाम ने फरमाया अबू का कुहाफा तेरा बाप कुहाफा है। तो आप फरमाते हैं कि जब नबी पाक अलैहि सलातो व सलाम ने ये फरमाया तो फिर मेरी खुशी की जो है वो कोई इंतहा न रही कि जिस बाप से मुझे पुकारा जाता था अब मुझे इसमें कोई शुबा नहीं है। और इमाम कुर्तुबी ये फरमाते हैं कि फिर अब्दुल्लाह इब्न अबी कुहाफा फरमाते हैं कि खुदा की कसम आज अगर नबी पाक अलैहि सलातो व सलाम मेरे वालिद कुहाफा के अलावा किसी का नाम ले लेते कि तू कुहाफा का बेटा नहीं है फलां का बेटा है तो मैं लोगों के अंदर उसी नाम को जो है वो मशहूर कर देता, क्योंकि हुजूर के मुंह से जो है जब ये बात निकल गई तो मुझे इस बात की बड़ी तस्दीक है। उसी से जो है अपने वालिद की जो है वो अपनी जो है वो तशहीर कराता। तो इस तरीके से सहाबा का जो है कभी ईमान था कि नबी पाक अलैहि सलातो व सलाम को अल्लाह रब्बुल इज्जत ने जो है वो इतना इल्म अदा किया है। तो इतने में वहीं पर एक मुनाफिक खड़ा होता है जिसके बारे में मशहूर था कि ये फलां का बेटा है, तो उसने ये सवाल उठा दिया कि या रसूल अल्लाह अब बताएं कि मेरा बाप कौन है। अब क्योंकि उस अब्दुल जो अब्दुल्लाह इब्ने अभी कहाफा थे उनका पूछना और था, उन्हें शक था, लोग ताना दिया करते थे, उनका मकसद और पूछने का था, लेकिन इसने जो है सिर्फ अजमाइश के लिए पूछा। तो नबी पाक अलैहि सलातो व सलाम ने उसके बाप के अलावा एक और शख्स का जो है वो नाम ले लिया कि वो तेरा बाप है। वो घर जाता है, हैरान हो जाता है, अपनी माँ से पूछता है कि मसला क्या है वरना आज मैं तुम्हें कत्ल कर दूंगा। तो उसने कहा कि ऐ बेटा, तेरा जो वालिद था वो मुबशरत के काबिल नहीं था, लिहाजा तेरे बाप के पास माल बहुत था। मैंने कहा कि ये माल किधर जाएगा, तो मैंने जिसका नाम हुजूर ने लिया है उसी शख्स के साथ बुराई की है और उसका तू नुतफा है। तो नबी पाक अलैहि सलातो व सलाम ने जो नाम लिया तो उस मुनाफिक ने इस वजह से आजमाइश के लिए पूछा था, तो नबी पाक अलैहि सलातो व सलाम ने जो है वो बयान किया। और फिर नबी पाक अलैहि सलातो व सलाम से सहाबा जो है वो सवाल करते हैं और नबी पाक अलैहि सलातो व सलाम जो है वो क़यामत तक की जो है वो खबरें देते हैं। हत्ता के जब कुछ मुनाफिकों ने मजीद सवाल करना शुरू किए, नबी पाक अलैहि सलातो व सलाम को गुस्सा आ गया, तो उस वक्त हजरत उमर फारूक नबी पाक अलैहि सलातो व सलाम के सामने आ जाते हैं कि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमें माफ फरमा दिए, जिए रदीतु बिल्लाहि रब्बम व बिल इस्लाम दीना व बि मुहम्मदिन नबिय्या। कि या रसूल अल्लाह हम रब के रब होने पर राजी हैं और इस्लाम के दीन होने पर राजी हैं और आपके रसूल होने पर जो है वो हम राजी हैं, आप हमें माफ कर दीजिए। तो इस तरीके से नबी पाक अलैहि सलातो व सलाम ने एक ही महफिल के अंदर जो जो सहाबा ने पूछा वो बता दिया। हुजूर ने ये इरशाद फरमाया सलूनी माशे तुम, कि जो तुम चाहते हो मुझसे जो है वो पूछ लो। तो इसके अंदर बिल्कुल जो है वो उमूम है और आगे इस हदीस का जो मफहूम है वो खुद ब खुद ये बयान कर रहा है। इससे नबी पाक अलैहि सलातो व सलाम ने सिर्फ दीनी मसलों को जो है वो मुकय्यद नहीं किया था बल्कि इसको अपने उमूम पर जो है वो नबी पाक अलैहि सलातो व सलाम ने जारी फरमाया। इसी तरीके से नबी पाक अलैहि सलातो व सलाम ने मुख्तलिफ मकामात पर जो नबी पाक अलैहि सलातो व सलाम को इल्म अता किया गया था उसका नबी पाक अलैहि सलातो व सलाम ने सहाबाए किराम के सामने जो है वो वजाहत फरमाई, क्योंकि मुनाफिक की ये निशानी है कि जब भी वो नबी पाक अलैहि सलातो व सलाम के खसूसियात को देखता है, नबी पाक अलैहि सलातो व सलाम के वो जात को देखता है तो उसका दिल जो है वो तंग होता है। लेकिन सहाबाए किराम रिज़वानुल्लाह तआला अलैहिम अजमईन की जिंदगियों का हम मुताला करें, आपकी सीरत को हम जब देखते हैं तो पता चलता है कि जहां पर भी उन्हें नबी पाक अलैहि सलातो व सलाम की अजमत का पता चलता है वहां पर बड़े खुश होते हैं। हजरत अली अल मुर्तजा रजी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं कि मैं नबी पाक अलैहि सलातो व सलाम की खिदमत में था तो मुझे हजरत मिकदाद को और हजरत जुबैर को नबी पाक अलैहि सलातो व सलाम ने इरशाद फरमाया के अली, तुम जाओ घोड़ों के ऊपर सवार हो जाओ और इसके पहाड़ के बाहर एक जगह है रोजा एक खा, वहां पर चले जाओ, वहां पर एक ऊंटनी के ऊपर एक हौदज के अंदर एक औरत मौजूद है, उसके पास जो है वो एक खत है, वो खत लेकर आओ। और हदीस में आता है कि मदीना से रोजा खाक जो है वो 12 मील के फासले पर था।
तो नबी पाक अलैहिस्सलाम ने हजरत अली मुर्तजा को फरमाया कि मिकदाद और जुबैर को ले जाओ और उस औरत से खत लेकर आओ। हजरत अली फरमाते हैं हम अपने घोड़ों को सर पर चढ़ाते हैं, रोज़े ख़ाफ़ के मकाम पर हम जाते हैं, तो वहाँ पर एक औरत मौजूद है, हौदज उसका सवारी के ऊपर मौजूद है और उसके ऊपर एक औरत है। हम उसकी लगाम को पकड़ लेते हैं, उस औरत को नीचे उतार देते हैं और उसे कहते हैं कि जो खत तुम्हारे पास है वो हमें दे दो। अब हजरत अली मुर्तजा रजी अल्लाह तआला अन्हो जब उसकी तफ्तीश करते हैं तो उसमें जो है लफ्ज़ बड़े जो है और सख्त बोलते हैं वो, क्योंकि औरत है, औरत मान नहीं रही थी कि मेरे पास खत मौजूद है। उसने अपनी मुकम्मल जो है वो तलाशी दी, खत बरामद न हो सका। तो हजरत अली मुर्तजा रजी अल्लाह तआला अन्हो ने इरशाद फरमाया कि या तो तू खत हमारे हवाले कर दे वरना हम आपके कपड़े जो है वो उतार लेंगे। ये बाकायदा हदीस के अंदर जो है वो अल्फाज मौजूद है, बुखारी शरीफ दूसरे जिल्द के अंदर भी ये हदीस मौजूद है और अबू दाऊद किताबुल जिहाद के अंदर भी जो है ये हदीस मौजूद है। तो हजरत अली मुर्तजा को क्योंकि यकीन था कि नबी पाक अलैहिस्सलाम ने कहा है कि ये खत मौजूद होगा, तो उसने अपने बालों की बेड़ियां खोली, क्योंकि औरतें जो है वो बाल पीछे से जो है वो जो बुत बनाती हैं उस बुत के अंदर जो है उसने वो खत दिया हुआ था, तो वहां से उसने जो है वो निकाल कर हजरत अली मुर्तजा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के हवाले कर दिया। आप फरमाते हैं कि मैं वो खत लेकर जो है वो जब हुजूर के पास आया, हुजूर ने जब उसको पढ़ा तो वो हजरत खातब बिन अबी बलता, ये एक सहाबी रसूल है, बदरी सहाबी है, उनकी तरफ से जो है ये खत था। आगे इसका मफहूम जो है वो मैं बयान करूंगा, तो उसमें मैं एक चीज जो है वो बयान करना चाहता हूँ कि नबी पाक अलैहिस्सलाम ने खबर क्या दी थी कि अली जुबैर और मिकदाद को ले जाओ और रज़ा खास के मकाम पर जो है वो एक औरत मौजूद होगी, वो हौदज में होगी और उसके पास हद जो है वो मौजूद होगा। तो मदीना से उस इलाके का जो सफर था वो कितना था, 12 मील। अब जब नबी पाक अलैहिस्सलाम ये खबर दे रहे थे तो क्या वो उस मकाम पर उस वक्त मौजूद थी? अगर वो उस वक्त मौजूद थी तो ये 12 मील जो है हजरत अली मुर्तजा जो सफर करके जाते हैं तो इतने में तो वो काफी आगे जो है वो जा चुकी होती। 12 मील का सफर करने में जो है काफी वक्त लगता है, तो नबी पाक अलैहिस्सलाम को ये पता था कि अब वो किधर है और 12 मील सफर करने के बाद जो है सर पर जब घोड़े दौड़ेंगे तो उस वक्त वो औरत कहाँ पर होगी, जहाँ पर मुलाकात होनी थी हजरत अली मुर्तजा को वो जगह जो है वो बता दी। यानी नबी पाक अलैहिस्सलाम उस सारी चीज का जो है वो मुशाहदा कर रहे थे और बेऐन ही वही चीजें के ऊंट है, यानी घोड़ा मौजूद नहीं था और ये है कि उसके ऊपर हौदज है, बसावकत बगैर हौदज के भी जो है सवारी ऊंट के ऊपर की जाती है, और ये भी हो सकता था कि कोई मर्द होता लेकिन हुजूर ने फरमाया औरत है, और ये भी हो सकता था कि उसके पास किसी ने कोई और अमानते दी हो। नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया है भी जो है वो ऊंट और हौदज भी है, उसके ऊपर जो है सवार भी औरत है और उसके पास हद भी मौजूद है, और मकाम कौन सा होगा वो रोज़ा खाफ के ऊपर जो है आपको मिलेगी। तो इस तरीके से नबी पाक अलैहिस्सलाम के मुंह से जो कुछ निकला वो बेन ही जो है वो साबित हुआ और हजरत अली मुर्तजा रजी अल्लाह तआला अन्हु ने आकर नबी पाक अलैहिस्सलाम के बरगाह के अंदर उस हद को जो है वो पेश किया। अब ये है कि वो बदरी सहाबी थे, उनके पास जो है वो उन्होंने ये खत लिखा था और नबी पाक अलैहिस्सलाम से हजरत उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने इजाजत तलब की कि या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे हालात जब खातिब इब्न अबी बलता ने कुफार को दिए हैं लिहाजा हमें चाहिए कि ये जासूस हैं इनको मार दिया जाए, तो नबी पाक अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि इनके दिल के अंदर ईमान मौजूद है। हालांकि बज़ाहिर जो है वो करीने क्या से क्या पता चल रहा था कि ये इन्होंने कोई जासूसी की है, लेकिन नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि इनके दिल के अंदर जो है ये ईमान मौजूद है, लिहाजा जिस वजह से इन्होंने खत भेजा था कि कुछ इनके रिश्तेदार वहां कुफार के यहाँ मौजूद थे, इन्होंने ये बयान किया या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मैं जो लिखूंगा अल्लाह रब्बुल इज्जत जिब्रील अमीन को भेजकर आपको सारी चीजों की जो है वो खबरें दे देंगे, लिहाजा आपको तो नुकसान नहीं होगा लेकिन मेरा खत देने की वजह से वो मेरे रिश्तेदारों के ऊपर जो है वो जुल्म नहीं करेंगे। तो नबी पाक अलैहिस्सलाम ने इसकी तस्दीक की है।
हालांकि बाहर जो है वो हालात जो है वो कुछ और थे, लेकिन नबी पाक अलैहिस्सलाम क्योंकि दिलों के हालात जानते हैं तो हुजूर ने हजरत उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को मना फरमा दिया। इसी तरीके से बसाओ का करीना क्या ये होता है कि ये आदमी बिल्कुल ठीक है, लेकिन नबी पाक अलैहिस्सलाम ने ये खबर दी कि ये आदमी ठीक नहीं है। नबी पाक अलैहिस्सलाम के एक सहाबी, वो नबी पाक अलैहिस्सलाम के खिदमतगार थे, हुजूर जब एक सफर में थे तो नबी पाक अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि हमने आगे सफर पर जाना है, लिहाजा तुम मेरा कजावा जो है ऊँट के ऊपर रख दो। वो ऊँट के ऊपर कजावा रख रहे थे तो कहीं ओर से किसी ने उनको तीर मार दिया, वो मर गए। अब पता नहीं चला कि मारा किसने है, तो सहाबा इकराम रिज़वानुल्लाह ताला अलैहिम अजमईन उसको लेकर, उसकी लाश को लेकर हुजूर के सामने आ जाते हैं कि या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये आपका खादिम है, लिहाजा ये फौत हो गया है, हम इसके जनाजे की तैयारी करते हैं, आप इसके ऊपर जनाजा पढ़ाएं। तो नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि अपने भाई के ऊपर जनाजा पढ़ना। ये बसाओ का नबी पाक अलैहिस्सलाम किसी चीज की नाराजगी के ऊपर जो है इजहार फरमाते, सहाबा को मना नहीं करते थे कि तुम ना पढ़ो, लेकिन बसाओ का खुद जो है वो पढ़ते नहीं थे, तो वो अर्ज करते हैं कि या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, खादिम आपका है, सारी जिंदगी आपकी खिदमत की है, लिहाजा आप इसका जनाजा नहीं पढ़ रहे। नबी पाक अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि इसके सामान को ले आओ। सामान को लाया जाता है, नबी पाक अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि इसकी तलाशी लो, इसके अंदर तुम्हें दो मोती जो है वो मिलेंगे, जो खैबर वाले दिन जो है इन्होंने वहां से चुराए थे और गनीमत के अंदर इनको रखा नहीं था, लिहाजा ये जन्नत में जाने के इनके लिए रुकावट जो है वो बनेगा। तो नबी पाक अलैहिस्सलाम के कहने के ऊपर जब सहाबा ने देखा तो जो जिस तरीके से हुजूर ने बयान किया था वो बेऐन ही मोती उनके उस सामान के अंदर जो है वो पाए गए, तो सहाबा इकराम हैरान हो गए कि नबी पाक अलैहिस्सलाम को अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इतना इल्म अदा किया है कि इन मोतियों के बारे में जिन्हें किसी और को जो है वो खबर नहीं थी, तो नबी पाक अलैहिस्सलाम ने उनकी बिल्कुल जो है वो वजह इरशाद फरमा दी। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा खुद नबी पाक अलैहिस्सलाम के इलम का भी इसी तरीके से जो है वो इकरार किया करते थे। ये तो वो नबी पाक अलैहिस्सलाम के कुछ फरमान जो है कि जिसमें नबी पाक अलैहिस्सलाम ने इस इलम को जो है वो बयान किया। तो नबी पाक अलैहिस्सलाम के एक सहाबी हजरत सवाद बिन कारिश रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जब ये इस्लाम कबूल करते हैं तो उस वक्त अभी इन्होंने कलमा नहीं पढ़ा था, सिर्फ दिल में ये बात थी कि मैं इस्लाम कबूल करूंगा। जब दिल में ये बात थी कि मैं इस्लाम कबूल करूंगा तो दिल में मोहब्बत मुस्तफ़ा पैदा हो गई, और वहाँ पर सफर में जाती हुई, ये हिंद के रहने वाले थे, तो इधर से जब उन्होंने सफर को शुरू किया तो नबी पाक अलैहिस्सलाम की नात जो है वो लिखी। वहाँ पर नबी पाक अलैहिस्सलाम के बरगाह में जब पहुँचते हैं, कलमा पढ़ते हैं, तो नबी पाक अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि मरहबा या सवाद इब्न कारिश, ऐ सवाद इब्न कारिश तुम्हें खुश आमदीद हो। हालांकि अभी आपने कलाम नहीं किया था कि मेरा नाम क्या है, कहाँ से आया हूँ और किस नीयत से आया हूँ, जो ही सामने हुजूर के होते हैं तो नबी पाक अलैहिस्सलाम इरशाद फरमाते हैं या सवाद मरहबा बिका, कि तुझे मैं खुश आमदीद कहता हूँ, और वो नात जो रास्ते में तुमने मेरी लिखी है वो मुझे सुनाओ। अभी आपने बयान नहीं किया था कि मैं कौन हूँ, कहाँ से आया हूँ, क्या लिखा है, तो नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि जो रास्ते में मेरी नात लिखी है वो मुझे सुनाओ। तो उसके कितने खूबसूरत जो है वो अल्फाज हैं उस नात के, कि आपने इरशाद फरमाया फाशहदु अन्नल्लाहा ला रब्बा गैरहू, कि मैं ये गवाही देता हूँ कि रब के अलावा कोई और इला नहीं है, वअन्नका मामूनुन अला कुल्लि गाइबी, और या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हर गैब के ऊपर आपको मुतले कर दिया। अब अहदीस की भी किस्में होती हैं, हदीस कौली है, फेली है, तकरीरी है, तो अब अगर इस लफ्ज के अंदर कोई गलती मौजूद होती, ये कुरान और सुन्नत के मुखालिफ मफहूम होता, तो नबी पाक अलैहिस्सलाम फौरन उनको जो है वो मना कर देते। नबी पाक अलैहिस्सलाम यहाँ समात कर रहे हैं और आगे इस हदीस जब ना खत्म होती है तो नबी पाक अलैहिस्सलाम उनके लिए
दुआया कलमात जो है वो कहते हैं। तो इससे पता चलता है कि नबी पाक अलैहिस्सलाम के सामने ये कहा गया, सहाबा ने कहा है कि अल्लाह ने आपको हर किस्म का गैब जो है वो अता किया है, तो नबी पाक अलैहिस्सलाम तबस्सुम भी फरमाते हैं, खुश भी होते हैं और उसके लिए दुआ भी करते हैं। अगर हुजूर के पास गैब न होता तो नबी पाक अलैहिस्सलाम मना फरमा देते कि तुमने ये शिर्क क्यों किया है, कि तुम मुझे ये कह रहे हो कि गैब तुम्हारे पास मौजूद है। तो नबी पाक अलैहिस्सलाम के सामने जब कहा गया वन्ना कमामून नाला खुलने अल्लाह ने हर किस्म का गैब जो है वो या रसूल अल्लाह आपको अता किया है, और फिर फरमाया वो अन्ना का अदनल मुसलीना शफातन इल्लाह, कि सारे नबी जो है वो रब की बारगाह में जो है वो शफात करने वाले होंगे, और सबसे कबूल जो शफात की आपकी जो है वो होगी या इब्नल अकरमीनल अता इबी, और अकरम वालिदैन की औलाद। तो इससे पता चलता है कि नबी पाक अलैहिस्सलाम के वालिदैन की भी जो है वो आप तारीफ कर रहे हैं, और नबी पाक अलैहिस्सलाम जो है वो खुश हो रहे हैं, और आपके वालिदैन को उन्होंने अकरब कहा है, अतजब कहा है कि आपके वालिदैन पाकीज़ा हैं और बड़े सखी हैं। तो ये कहकर नबी पाक अलैहिस्सलाम के सामने जो है वो हुजूर की नाज पेश की जा रही है, और आपने फरमाया वकुन ली शफीयन यौम ला जू सफातिन शिफा का या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जब क्यामत वाला दिन होगा आप मेरे लिए जरूर शफात करना, नहीं सिवा का बिमुखरिन अन सवाद इब्ने कारिब, कि सवाद इब्ने कारिब के लिए आपके सफा आपके सिवा जो है वो कोई और शफी नहीं है। या रसूल अल्लाह मैं आपसे सिफारिश तलब करता हूँ कि जब क्यामत वाला दिन होगा आपने मेरी शफात करनी है। तो नबी पाक अलैहिस्सलाम मुस्कुराने लग गए और फिर फरमाया अफ़लत या सवाद, ऐ सवाद तू तो कामयाब हो गया है कि तू मेरे बारे में इतना अकीदा रखता है कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने मुझे गैब का इल्म भी अता किया है, मेरे वालिदैन की तुमने तारीफ भी की है, और तू मुझे मानता है कि क्यामत वाले दिन अल्लाह रब्बुल इज्जत मेरी शफात को कबूल करेगा। अफ़लहत या सवाद, ऐ सवाद तू तो कामयाब हो गया है। और ये नबी पाक अलैहिस्सलाम ने जब तबस्सुम फरमाया, सहाबा किराम के अंदर जब खुशी की लहर दौड़ गई, तो हजरत उमर फारूक का जमाना है, हजरत उमर फारूक मिंबर पर मौजूद होते हैं, जुमे का दिन होता है, जब सवाद बिन कारिब मस्जिद में आते हैं तो हजरत उमर फारूक अपने मिंबर को छोड़ देते हैं और अर्ज करते हैं ऐ सवाद बिन कारिब, मुझे वो वक्त याद आ रहा है कि जब नबी पाक अलैहिस्सलाम के सामने जो है आपने हुजूर की नात पढ़ी थी, और नबी पाक अलैहिस्सलाम बड़े खुश हुए थे, वो वक्त मुझे बड़ा याद आ रहा है, मैं मिंबर को छोड़ता हूँ, मिंबर पर बैठकर मुझे नबी पाक अलैहिस्सलाम की वो नात सुनाओ जिसके अंदर आपने नबी पाक अलैहिस्सलाम की तारीफ की। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, नारे गौसिया, सुन्नत। तो उस वक्त हजरत उमर बिन खताब को मुखातब करके फरमाते हैं कि ऐ उमर बिन खताब, मैं आपको एक जो है वो नसीहत करता हूँ, वो नसीहत क्या थी कि आपने फरमाया इज़ा सअलतुमुल्लाह हाजतन फसअलू बिमुहम्मदिन, कि ऐ उमर फारूक जब भी दुनिया के अंदर तुम्हें कोई हाजत मौजूद हो तो उस वक्त नबी पाक अलैहिस्सलाम के वसीला से जो है वो रब से मांगा करो, और फिर खुद जो है नबी पाक अलैहिस्सलाम का वसीला देकर जो है अपने हाथों को उठाया और फरमाया अल्लाहुम्मा इन्ना नसअलुका बिहक्के मुहम्मदिन नबी रहमा, के ऐ रब्बुल आलमीन मैं तुझसे सवाल करता हूँ, हम तुझसे सवाल करते हैं नबी पाक अलैहिस्सलाम के वसीला से, ऐ रब्बुल आलमीन हमारे गुनाहों की जो है वो मग़फ़रत फरमा दे, और फिर आप जो है वो मिंबर पर आते हैं। तो ये सारी चीजें जो है हजरत उमर फारूक के सामने जो है वो बयान की, अगर नबी पाक अलैहिस्सलाम के वसीला से दुआ मांगना जो है वो गलत होता तो उसी वक्त उमर बिन खताब जो है उनको जो है वो डांट देते, बल्कि अपने मिंबर के ऊपर जो है उनको बुला रहे हैं, और वहां पर जो है आप नबी पाक अलैहिस्सलाम की नात को जो है वो बयान कर रहे हैं। तो इस तरीके से सहाबा इकराम ने नबी पाक अलैहिस्सलाम के सामने जो है
वो नबी पाक अलैहिस्सलाम को गैब दान कहा कि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये उलूम अल्लाह ने जो है वो आपको अता किए हैं। तो जो मुनाफिक लोग थे ये हमेशा जो है वो नबी पाक अलैहिस्सलाम के इलम के ऊपर जो है वो इतराज किया करते थे। नबी पाक अलैहिस्सलाम एक दफा मस्जिद में मौजूद होते हैं, हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह तआला ने आप इरशाद फरमाते हैं कि नबी पाक अलैहिस्सलाम अपने दाएं हाथ को खड़ा करते हैं, नबी पाक अलैहिस्सलाम के हाथ में एक किताब होती है, सहाबा इकराम को मुखातब करते हैं, ऐ मेरे सहाबा आपको पता है कि ये किताब क्या है? तो सहाबा इकराम अर्ज करते हैं कि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये बंद किताब है, हमें इसके बारे में इलम नहीं है। तो नबी पाक अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि ये रब्बुल आलमीन की तरफ से मुझे अता की गई है। जितने भी उलूम नबी पाक अलैहिस्सलाम के लिए हम मानते हैं वो सारे सके सारे अल्लाह रब्बुल इज्जत की अता है, अल्लाह के उलूम जाती हैं, और नबी पाक अलैहिस्सलाम के सारे उलूम जो है वो अल्लाह की अता के साथ है, हुजूर के जाती नहीं है बल्कि अल्लाह ने जो है वो हुजूर को जो है वो अता किया है। तो आपने फरमाया ये रब्बुल आलमीन की तरफ से किताब है और अल्लाह रब्बुल इज्जत ने मुझे ये इल्म अता किया है कि इसके अंदर अल्लाह रब्बुल इज्जत ने क़यामत तक के जितने लोगों ने जन्नत में जाना था उनके नाम लिख दिए हैं, उनके वालिदैन के नाम लिख दिए हैं, उनके कबीले ने के नाम जो है वो लिख दिए हैं, जितने लोगों ने जन्नत में जाना है अल्लाह रब्बुल इज्जत ने मुझे उनका इल्म अता किया। फिर दूसरा हाथ जो है वो नबी पाक अलैहिस्सलाम ने बुलंद फरमाया, फिर एक किताब को जो है वो बुलंद फरमाया, सहाबा से खिताब फरमाया, ऐ मेरे सहाबा तुम जानते हो कि इस किताब के अंदर क्या है? तो सहाबा इकराम अर्ज करते हैं कि या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह व रसूलु आलम, अल्लाह और उसका रसूल ही बेहतर जानता है। नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि ये किताब भी रब्बुल आलमीन की तरफ से है और इसके अंदर अल्लाह रब्बुल इज्जत ने जो है मुझे ये इल्म अता किया है कि जिसने क़यामत तक जहन्नम में जाना है उनके नाम भी इसके अंदर मौजूद है, उनके वालिदैन के नाम भी मौजूद है, उनके कबीलों के नाम भी मौजूद है, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने ये दोनों उलूम जो है मुझे अता कर दिए है। क़यामत तक जिसने भी जन्नत में जाना है उनके वालिदैन के नामों कबीलों के नामों समेत नबी पाक अलैहिस्सलाम को इलम जो है वो अता कर दिया गया है। जिन्होंने जहन्नम में जाना था उन सबका इलम जो है वो नबी पाक अलैहिस्सलाम को जो है वो अता कर दिया गया था। तो ये चीजें जब नबी पाक अलैहिस्सलाम के सामने पेश की जाती तो फिर मजमे में बैठे हुए लोगों के तस्वीरात जो है वो देखने के काबिल होते, चेहरों से पता चल जाता था कि ये चीजें पसंद किसको आ रही है और जिसको ये चीजें पसंद नहीं आ रही होती पता चल जाता कि ये मुनाफिक है। तो उनके चेहरों के रंग भी जो है वो तब्दील हो जाते हैं। तो पता चलता है कि जब भी नबी पाक अलैहिस्सलाम के सिफात को बयान किया जाए, जब अंदर ईमान मौजूद होता है तो फिर चेहरों के ऊपर रोशनी मौजूद होती है। और अभी आप इर्द गिर्द अपने देख लें कि किन लोगों के चेहरों के अंदर जो है वो खुशी के आसार मौजूद है कि नबी पाक अलैहिस्सलाम के इलम को जब बयान किया जाता है तो दिल को कितना जो है इंसान को सुकून मिलता है, इंसान के चेहरों के अंदर जो है वो खुशी के आसार जो है वो टपक पड़ते हैं। और ये ऐसी चीज है कि जो हर आदमी जो है वो महसूस करता है। अगर नबी पाक अलैहिस्सलाम के उलूम को बयान किया जाए और फिर इंसान के चेहरे का रंग जो है वो तब्दील होना शुरू हो जाए तो फिर इंसान देख ले कि अंदर कोई मर्ज मौजूद है और इसी को निफाक कहा गया है। और यही मुनाफिकों की निशानी है कि जब भी नबी पाक अलैहिस्सलाम के सिफातों को बयान किया जाता है, आपके उलूम को बयान किया जाता है, आपके इख्तियारात को बयान किया जाता है तो उनके चेहरों के अंदर जो है वो कली सी आ जाती है और चेहरों की रौनक जो है वो खत्म हो जाती है। अल्लाह रब्बुल इज्जत हमें ये मोहब्बतें नसीब फरमाए और खासकर उस्ताद के वालदैन के लिए आप लोगों ने खसूसी दुआएं करनी है, अल्लाह रब्बुल इज्जत उनको शफाए कामला अता फरमाए। वो मालिक ना इल्ला अल्लाह।